जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल नई भर्ती 2022 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है एंड जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी 689 पद पर निकाली है। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं एंड अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में यह नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप लोग इसको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल, जो कि बिहार पुलिस की वेबसाइट है जिसके ऊपर बिहार पुलिस से जुड़े हुए नोटिफिकेशन आते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं कि 12 नवंबर 2022 को इसको पब्लिश किया है। तो यहां पर आप जानेंगे इसमें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 14 नवंबर 2022 से लेकर के 14 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। अभी आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि जब जैसे इसका लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं ताकि आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर सके। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब यहां पर बात करें आपकी सैलरी की, सैलरी आपको लेवल 3 के अंतर्गत जो आती है, जो कि 21,700 रुपए से लेकर के 53,000 रुपए पर मंथ ये सैलरी आपको दी जाएगी इन हैंड, यानी कि कट कटा करके आपके हैंड में पर मंथ कितनी सैलरी आएगी, तो वो आपकी लगभग 35 के आसपास रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि यानी कि किस तरह से आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो इस पोस्ट को हिंदी में मध्य निदेश सिपाही बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोबेशन कांस्टेबल इसको कहते हैं। एंड यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी है अप्लाई करने के लिए, वो आपसे 12वीं मांगी है। एंड आपको कहा है कि अथवा, यानी कि अगर 12वीं नहीं है तो कहा है कि बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित या फिर आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप उसमें उसके माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2022 तक पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि जिसकी क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2022 तक पूरी है, यानी कि जिसकी इसके पहले पूरी है, वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जिसने अपनी 12वीं 1 जनवरी 2022 के बाद में पूरी की है, पास की है, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर बोला है कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी, यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो क्या रहेगी, एज भी आपकी 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि मेन आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 25 साल है, ओबीसी के लिए 27 साल है एंड एससी एसटी के लिए यहाँ पर 28 साल रखी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 साल है एंड जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और पुरुष है, इनके लिए आपकी 27 साल है। यानी कि अगर आप ओबीसी है तो आपकी मेल होने पर 27 साल और फीमेल होने पर 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। तो आपने यहाँ पर ये जाना। इसके बाद में अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300+ क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा, सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं आपकी फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या रहेगा। तो इसमें बोला कि आपकी हाइट अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग, यानी कि आप अगर जनरल और ओबीसी है तो इसमें जो आपकी न्यूनतम हाइट रखी है मेल कैंडिडेट के लिए वो 165 सेंटीमीटर है एंड जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है उनके लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर रखी है। जो एससी एसटी कैंडिडेट है और मेल है इनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रखी है एंड सभी वर्गों की फीमेल
उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट का माप सिर्फ मेल कैंडिडेट से लिया जाएगा जो कि अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 कम से कम और फुला करके 86 जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाओ जरूरी है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट है इनके लिए चेस्ट बिना फुलाए 81 और फुला करके 86 हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट है और मेल है इनके लिए चेस्ट बिना फुलाए 79 और फुला करके 84 हो जानी चाहिए। एंड जो आपका वजन है वो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ये आपने यहाँ पर जाना। अब आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर किया जाएगा लिखित परीक्षा जो कि आपकी सबसे पहले रहेगी। इसमें क्या रहेगा? इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का रहेगा, यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और आपके 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एंड जो आपका एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन रहेगा। एंड जो आपका सिलेबस है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि सिलेबस आपका क्या है। तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये बोला है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि कम से कम जिनके 30% नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एंड साथ ही यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा द्वितीय चरण, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट चरण है वो उसमें आपका एग्जाम होगा। द्वितीय चरण के अंदर आपका शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा होगी जो कि आपके कुल 100 नंबर की रहेगी, जिसमें कि दौड़ के लिए आपको अधिकतम 50 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए आपको अधिकतम 6 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप उसको 5 मिनट से कम में पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आप करते हैं इस समय के अंदर तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। एंड अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक इसको पूरा करते तो आपको 30 नंबर, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक पूरा करने पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। जो 6 मिनट से ज्यादा समय लेंगे उनको डिस्क्वालीफाई यानी कि अघोषित असफल घोषित किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर यानी कि 1000 जो मीटर है उसकी दौड़ रहेगी। और इसमें दोस्तों फिर यहाँ पर जो आपकी फीमेल कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसके लिए उन्हें 5 मिनट का समय दिया जाएगा। जो लोग इसको 4 मिनट से कम में पूरा कर लेंगे उनको 50 नंबर मिलेंगे। एंड जो कैंडिडेट 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक पूरा करेंगे उनको 40, एंड जो बाकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग नंबर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोला फेंक के लिए आपको 25 अंक मिलेंगे, जिसमें कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला जो कि न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक फेंकने पर 9 नंबर, 17 फीट से ज्यादा ये एवं 18 फीट तक फेंकने पर 13, एंड 20 फीट से ज्यादा फेंकने पर आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। एंड 16 फीट से कम फेंकने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर जो ऊंची कूद है इसके लिए भी आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। कितने फीट कूदने पर आपको कितने अंक मिलेंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के। तो आपने यहां पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए हैं। तो आई होप आपने यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में जान ली है। एंड जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की है आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, तो आप उस बुक को परचेज कीजिए एंड जो आपकी प्रिपरेशन है उसको शुरू कर दीजिए। सो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।